और चलिए अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। विधायकों की नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है मुंबई में। श्रीमती मीरा कुमार जी, सुमित्रा नागरिक जी, विंदो पावित जी, प्रतिभा चौहान साहब, हमारे स्पीकर राजस्थान जोशी जी, राहुल राज जी और तमाम उपस्थित विधानसभाओं के माननीय अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, विधान परिषद और विधानसभाओं के तमाम अध्यक्षगण और विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पहली बार ये आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर विधायक सम्मेलन। अच्छी पहल है। मैं तमाम आयोजकों को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरे देश के विधायकों का एक साथ संवाद करना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। मुझे खुशी है कि सम्मेलन में विधानसभा विधान परिषदों के 25 वर्ष बाद की जिम्मेदारियों पर चर्चा हो रही है। ये सम्मेलन पार्टी विचारधारा को छोड़कर एकता और समरसता के लिए समर्पित होना भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत है। इस प्लेनरी सेशन का टॉपिक टेल ऑफ द टॉल लीडरशिप मंत्र है, जो बहुत ही प्रासंगिक है, नई जनरेशन के लिए एक प्रेरणादायक है। हम जानते हैं कि देश में लगभग 4,000 विधायक और 800 सांसद हैं। लगभग 125 करोड़ के देश में लगभग 5,000 लोग नीति निर्धारक हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इन 5,000 लोगों की जो जितनी लीडरशिप क्वालिटी होगी, उनकी अपनी प्रतिबद्धता होगी, उनकी जीवन शैली होगी, उसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि देश की जनता को मैसेज जाएगा। राजनीति में आने के बाद में हम सब पब्लिक प्रॉपर्टी रहते हैं, जनता के ट्रस्टी हैं। मेरा शुरू से मानना रहा कि राजनीति सेवा का माध्यम है। पूरी ईमानदारी, निष्ठा, प्रतिबद्धता, जनता की सेवा करना ही हमारा परम धर्म होना चाहिए। अपनी पार्टी और विचारधारा के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध रहना एक बहुत बड़ा गुण होना चाहिए, क्योंकि पार्टियों में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, तो कई बार लोग लालच के अंदर पार्टी बदल देते हैं, जो नहीं होना चाहिए। नई पीढ़ी को गलत संदेश जाता है। जितना हम अपने जीवन में ये लड़े, विचारधारा की हमारी है, कोई दुश्मनी नहीं है विपक्ष के साथ में, लोकतंत्र के अंदर इतनी जरूरी है कि हम अपनी विचारधारा के लिए पक्के रहें, प्रतिबद्ध रहें, निष्ठावान रहें, और किसी भी कीमत पर हम दल बदल करने के लिए सोचें। आजकल हॉर्स ट्रेडिंग से सरकारें गिरी जाती हैं और विधायक भागीदार बनते हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय होना चाहिए देश के लिए। वो एक पार्टी का सवाल नहीं है, देश के लिए अगर हॉर्स ट्रेडिंग होगी, सरकारें गिराई जाएगी, तो लोकतंत्र के मायने क्या रह जाते हैं। 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को। 75 साल में हमारे देश में जिस प्रकार से लोकतंत्र कायम रहा, मजबूत रहा, पाकिस्तान हमारे साथ में आज़ाद हुआ, बार बार सैनिकों का शासन हुआ, लोकतंत्र हत्या हुई, हमारे मुल्क का सौभाग्य है कि हम लोग 75 साल के बावजूद भी यहाँ पर एकता अखंडता रहा। हमारा मुल्क इंदिरा गांधी जान चली गई, कोई खालिस्तान नहीं बनने दिया। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत रही, सरकारें बदलती रही शांतिपूर्वक, और ये बहुत बड़ी खासियत है। पूरी दुनिया के मुल्कों में हमारा सम्मान देश का, इसलिए कि गांधी का देश है, ये लोकतंत्र यहाँ मजबूत है, इसलिए हमारा मान सम्मान पूरे देश के अंदर होता है। इसलिए मेरा मानना है कि राजनीति में आने के बाद में नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम राजनीति में कितने ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, परंतु ह्यूमिलिटी हमारे साथ रहनी चाहिए, हम नम्र रहें, हमारा व्यवहार ऐसा हो जो लोग उससे इम्प्रेस हो, सादगी के साथ रहे, ईमानदारी के साथ राजनीति करें, तब जाके हम देश को, नई पीढ़ी को सुपुर्द करेंगे, तो मैं समझता हूँ अपना कर्तव्य निभाएंगे। अगर हमारे
अंदर करप्शन की शिकार आती रहेगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। सभी तरह से अगर हम लोग वो प्रेरणा नहीं दे पाएंगे नई पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन क्या कहेगी हमें, जिसके लिए आपका 25 साल के बाद में क्या जिम्मेदारी हो, वो आपने विषय भी रखा है। अन्याय हो, अत्याचार हो, उत्पीड़न हो, जनप्रतिनिधि चाहिए किसी कीमत पर, उनके साथ नहीं दिखे हुए, उनकी सिफारिश नहीं करी, चाहे वो कितने नजदीक का आदमी है, परिवार का आदमी है, तब भी उनको चाहिए मजबूत के साथ में वो न्याय सुनिश्चित करने के लिए काम करे, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। जब जाके MLA MP हम सब की जो है जो क्रेडिबिलिटी है समाज में बनी रहेगी, वो बनी रहेगी तभी जाके हम लोग गुड गवर्नेंस दे सकते हैं। मैंने पहले कहा कि कोई हमारे दुश्मनी किसी से नहीं है, यही भाव होना चाहिए। पहले जमाने में हम सुनते थे असेंबली के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर कितनी गर्मा गर्म बहस होती थी, आरोप लगते थे, जैसे बाहर निकलते थे लॉबी के अंदर और वही पक्ष विपक्ष के लोग प्यार से मोहब्बत से भाईचारे से हंसी मिला करते थे। ये टेंडेंसी जो थी आज उसके लौटाने की आवश्यकता है। आज धीरे धीरे दुश्मनियों में बदलती जा रही है, तनाव दिखता है पक्ष विपक्ष के अंदर, उसको समाप्त करने के लिए जो सत्ता वाली पार्टियां होती है केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है इस भूमिका निभाने के लिए वो पहल करे, विपक्ष पहल नहीं करेगा, पहल करनी पड़ेगी जो शासन के अंदर, उनको पहल करनी पड़ेगी। और आज आवश्यकता है केंद्र में भी और राज्यों के अंदर भी। अगर आपने इतना बड़ा सम्मेलन किया, मैं तमाम आयोजकों को जो हमारे स्पीकर रहे हुए हैं पूरे लोकसभा के और सबने मिलकर जो किया है, बहुत बड़ी पहल करी है और ये बहुत सफल हो रहा है क्योंकि पहला सम्मेलन है। धीरे धीरे आने वाले वक्त में और ज़्यादा मजबूती के साथ में ये कामयाब होगा। मेरा मानना है कि आज जो आपने विषय रखा है, विषय के आधार पर हम लोग चलेंगे तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि नए माहौल के साथ में देश का नई दिशा देने में कामयाब हो पाएंगे। मेरा मानना है कि कुछ जो है फैसले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के वक्त हुए थे, UPA गवर्नमेंट वक्त में, आज़ादी के बाद में पहली बार अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई, लोकसभा में कानून पास हुए, नरेगा का, RTE का, NFSA का, ये कानून कोई मामूली बात नहीं, नरेगा का होना बहुत बड़ी बात है, RTI है, RTE है, NFSA, ये कानून बना के हमने अधिकार दिए जनता को। अब जो नई पहल करने का आपने जो विचार व्यक्त किया है, आज हमने एक प्रयास किया राजस्थान में राइट टू हेल्थ, पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य है जिसने राइट टू हेल्थ एक्ट बनाया है। 25 लाख हम लोगों ने इंश्योरेंस दिया है, सारे इलाज फ्री है प्राइवेट के अंदर ही और पब्लिक के अंदर भी, बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका हुआ राजस्थान के अंदर। ऐसे हमने कई नवाचार किए राजस्थान के अंदर, इंदिरा गांधी के नाम से हमने शहरों में रोजगार नरेगा शुरू किया है, जैसे नरेगा है गाँव के अंदर ये शुरू किया गया है। मेरा प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखे हैं और मैंने रिक्वेस्ट करी है आप राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाएं। वक्त आ गया है कि पूरे देश के लोगों को, जैसे विदेशों के अंदर जो नीडी है उनको वीकली पैसा मिलता है, फोर्टनाइटली मिलता है, उसी ढंग से हमारे मुल्क के अंदर भी आज मजदूर काम करता है 55 साल 60 साल के बाद में उसका जो उसकी बॉडी है वो काम नहीं कर सकती है मजदूरी के लिए, ठेले वाला है, गरीब आदमी है, उसको कम से कम जिंदगी में सोशल सिक्योरिटी मिले पक्की, जिससे कि वो आराम से अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। कई बार बुजुर्ग आदमी के उनके बेटे होते हैं पोते हैं तो वो इस लायक नहीं होते हैं चलाते हैं फैमिली को। तो धीरे धीरे तमाम देश के अंदर सोशल सिक्योरिटी लागू होनी चाहिए, ये थीम भारत सरकार को मैं समझता हूँ कंसिडर करना चाहिए। और आप जो सब यहाँ हमारे सीनियर लीडर्स बैठे हुए हैं, अगर वो सब मिलकर के इस पर विचार करेंगे तो मैं समझता हूँ कि सोशल सिक्योरिटी और एक हेल्थ के लिए राइट टू हेल्थ, ये ऐसा वक्त आ गया है जब हम पूरे दुनिया के अंदर विश्व गुरु बनने की बात भी करने लगे हैं, तब बन पाएंगे, तब हमारे खुद का जो है घर, हमारा देश है, उसे गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का और निडी लोगों का, निडी किसी जाति किसी धर्म का हो, उनका हम भला कैसे कर सकते हैं, उनको न्याय कैसे दिला सकते हैं, सुनिश्चित करते न्याय उनके साथ में,
और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। सोशल सिक्योरिटी बहुत आवश्यक हो गई है मेरा मानना है। राजस्थान में करीब 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो चाहे विधवाएं हैं, एकल नारी है, निःसहाय जन है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है राजस्थान के अंदर। इस प्रकार हमने कई नवाचार किए हैं, समय कम है कि मैं उन नवाचारों के ऊपर चर्चा नहीं करूँगा, पर हमारे नवाचारों की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, इस बात का मुझे बहुत गर्व है। हम चाहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से एक मैसेज दें गरीबों को भी कि सरकार आपके साथ में खड़ी है, ये मेरा मानना है। इस सम्मेलन को जो आप लोगों ने बुलाया है उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं। और बड़ी संख्या में विधायकगण आए हैं, सब लोग विधान परिषद के सदस्य आए हैं, मैं सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं, मेरी बहुत बधाई है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू।